आज हम देखेंगे कि WhatsApp में किस तरह से फिंगरप्रिंट को एनेबल करते हैं। पहले आपके मोबाइल में WhatsApp को ओपन कीजिए, बाद में यहाँ पे WhatsApp में देखिए टॉप में राइट साइड में थ्री डॉट्स मेनू दिख रहा है, इसे सेलेक्ट कीजिए। बाद में सेटिंग्स सेलेक्ट कीजिए, सेटिंग्स के बाद यहाँ पे अकाउंट्स को सेलेक्ट कीजिए, ये अकाउंट्स में प्राइवेसी को सेलेक्ट कीजिए। बाद में प्राइवेसी में स्क्रॉल अप कीजिए, यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट डिजेबल होकर है, इसे एनेबल कीजिए, इस पर टैप कीजिए। यहाँ पे देखिए कन्फर्म फिंगरप्रिंट पूछ रहा है, आपके मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर पे आपका फिंगरप्रिंट लगाइए। देखिए ये राइट मार्क आ चुका है, ये ऑटोमेटिकली लॉक में हमें थ्री ऑप्शंस है। इमीडिएटली बोले तो व्हाट्सएप से आप जब बाहर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली फिर से अगर आप लॉगिन होना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट को लगाना पड़ेगा। आफ्टर 1 मिनट बोले तो व्हाट्सएप को नहीं यूज़ करके 1 मिनट के बाद अगर आप फिर से व्हाट्सएप को आएंगे तो ये फिंगरप्रिंट पूछेगा। आफ्टर 30 मिनट्स बोले तो व्हाट्सएप आप यूज़ नहीं करके 30 मिनट्स के बाद व्हाट्सएप ओपन करना चाहते हैं तो तब आपको फिंगरप्रिंट पूछेगा। ये थ्री ऑप्शंस है, मैं इमीडिएटली को एनेबल कर चुका हूँ। यहाँ पे बैक पे जा रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप से फिर से यहाँ पे बैक जा रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप से एग्ज़िट हो चुका हूँ। फिर से अब हम ओपन करेंगे व्हाट्सएप को, मैंने इमीडिएटली ऑप्शन को चूज़ किया था, यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ व्हाट्सएप को। देखिए ये फिंगरप्रिंट सेंसर पूछ रहा है, आप आपके मोबाइल के फिंगरप्रिंट सेंसर पे आपका फिंगरप्रिंट दीजिए। ये देखिए व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। फिर से व्हाट्सएप के फिंगरप्रिंट को कैसे डिसेबल करते हैं देखेंगे। पहले व्हाट्सएप ओपन कीजिए डिसेबल करने के लिए, देन फिंगरप्रिंट सेंसर पे आपका फिंगरप्रिंट लगाइए। बाद में ए टॉप में राइट साइड में है सो थ्री डॉट्स पे प्रेस कीजिए। बाद में सेटिंग्स सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे अकाउंट्स को सेलेक्ट कीजिए, प्राइवेसी सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक को सेलेक्ट कीजिए, अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट को डिसेबल कीजिए। डिसेबल करना बोले तो इसे सिंपली टैप कीजिए इसके ऊपर, देखिए डिसेबल हो चुका है। मैं फिर से व्हाट्सएप पे बाहर जा रहा हूँ। सो अभी फिर से हम व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, आप देखिए व्हाट्सएप कोई फिंगरप्रिंट नहीं पूछ रहा है। इस तरह से हम व्हाट्सएप के फिंगरप्रिंट को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं।